Guys, hope you all are doing good. This is Divya Agarwal from the channel Physicam Academy. So guys, recently students से जो मेरी बात हुई है, मेरे जो students हैं ITJM के aspirants, उनसे जो मेरी recently बात हुई है, उसके according उनकी जो सबसे बड़ी समस्या है at present है, वो है time management. They are not able to manage the online classes, offline classes means college classes and self study. ऑनलाइन क्लासेस अगर मैं बात करूं तो जैसे कि अगर हम देखते हैं तो कॉलेज में अप्रॉक्सीमेटली स्टूडेंट्स के 6 to 8 hours चले जा रहे हैं 24 days में से, क्योंकि अभी कोविड का भी सीन थोड़ा सा कम हो गया है, तो इस वजह से बच्चे कॉलेज जा रहे हैं. कुछ के अभी भी ऑनलाइन चल रही है, बट फिर भी अप्रॉक्सीमेटली ऑन एन एवरेज 6 hours उनके कॉलेज में कंज्यूम हो रहे हैं. ऑनलाइन क्लासेस मिनिमम 6 hours, अगर मैं अनअकैडमी पे मेरे साथ बच्चों की बात करूँ तो वो अप्रॉक्सीमेटली 6 hours तो जाते ही हैं ऑनलाइन क्लासेस में. और उसके अलावा अब वो कैसे प्रिपेयर करे, कैसे वो सेल्फ स्टडी करे. फिर एजुकेटर्स मीन्स हम लोग बच्चों को यही बोलते रहते हैं कि यू हैव टू रिवाइज, यू हैव टू रिकॉल, यू हैव टू सेल्फ स्टडी. सो जो समस्या उनको आ रही है वो है कैसे वो कॉलेज के एग्जाम्स को, कॉलेज की पढ़ाई को, ऑनलाइन क्लासेस की पढ़ाई जो कि उनकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की पढ़ाई है, को साथ में मैनेज कर सकें अलॉन्ग विद द कॉम्पिटेटिव एग्जाम, अलॉन्ग विद द यू नो सेमेस्टर एग्जाम्स. तो रिसेंटली कुछ स्टूडेंट्स के सेमेस्टर एग्जाम्स भी चल रहे हैं या आने वाले हैं, तो दे आर वेरी मच टेंस. क्योंकि होता क्या है गाइस कि अगर हम ऑनलाइन क्लासेस की बात करते हैं तो ऑनलाइन क्लासेस में काफ़ी डिटेल में पढ़ाया जाता है. ITJM एग्जाम के ओरिएंटेड होगा तो ज़्यादातर क्वेश्चनरीज सॉल्व कराए जाएंगे. बट अगर हम कॉलेज एग्जाम्स की बात करते हैं तो कॉलेज एग्जाम्स का जो टेस्ट होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थियोरेटिकल मोर ऑफ होता है रादर देन दैट ऑफ द क्वेश्चन सीरीज. तो प्रॉब्लम तो है कि हाँ कॉलेज में 6 hours जा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस में 6 to 8 hours जा रहे हैं, तो मतलब 12 hours तो यहीं चले जा रहे हैं, फिर आप 8 hours सोओगे भी. एंड ऐसे कर करके हमारे पास में अप्रॉक्सीमेटली 3-4 hours बचते हैं जिनमें भी मतलब यू नो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज वगैरह में टाइम कंज्यूम हो जा रहा है, जिस वजह से बच्चे प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं ना तो कॉलेज की पढ़ाई को, ना ही ऑनलाइन क्लासेस को रिवाइज कर पा रहे हैं और रिकॉल कर पा रहे हैं. सो गाइज अब इसका क्या समस्या हो, क्या समाधान हो सकता है. तो गाइज इस समस्या का, हर समस्या का समाधान होता है, ऐसे ही मैं यही कहूंगी आपको कि इस पर्टिकुलर समस्या का जो समाधान है वो ये है गाइज, जस्ट 80-90% फोकस करो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स पे. देखो आपने जब अनअकैडमी या कोई भी अकेडमी को ज्वाइन किया था फॉर ITJM और फॉर गेट और फॉर CSIR नेट और फॉर ITJ और फॉर नीट और फॉर एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, तो आपके माइंड में एक इमेज थी, आपका एक ड्रीम है कि हाँ मुझे ये पर्टिकुलर एग्जाम को क्रैक करना है और इसी साल में क्रैक करना है. अगर हम कॉलेज के सेमेस्टर के एग्जाम्स की कॉम्पिटिटिव एग्जाम से कंपैरिजन करें तो कॉलेज के सेमेस्टर के एग्जाम्स में जो स्टफ आता है वो मोर ऑफ यू नो आपको थियोरेटिकली आपको मोर ऑफ लिखना होता है. अगर आप केमिस्ट्री की बात कर रहे हो तो अब, या फिजिक्स की बात कर रहे हो तो आपको डेरिवेशंस करने होंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स करने होंगे, क्वेश्चंस ऑफ यू नो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सॉल्व करने होंगे केमिस्ट्री में. तो अब यहाँ पे कैसे मैनेज किया जाए, तो मैं आपको सजेस्ट ये करूंगी गाइस कि एट प्रेजेंट बिकॉज आपने इसलिए ही कोई भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया है ताकि आप अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम पे फोकस करें, आई कैन अंडरस्टैंड कि आपका सेमेस्टर आता है और फिर यहाँ पे जो इम्बेलेंस होता है स्टूडेंट्स की स्टडी में वो ये होता है कि कॉलेज में तो उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी जो भी उनके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं BSc में वो सब पढ़ना पड़ता है, और अन अकेडमी पे या किसी भी अकेडमी पे अगर वो हमारे साथ पढ़ रहे हैं तो दे आर प्रिपेयरिंग इधर फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी व्हाट्स एवर इट इज, तो इंडिविजुअल एक सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो कैसे उस चीज को मैनेज किया जाए. सो गाइज आई सजेस्ट कि अगर आपके एग्जाम्स नियर हैं, है ना, तो आप अप्रॉक्सीमेटली 2-3 hours जो आपकी ऑनलाइन की क्लासेस है उसको 2-3 hours, जैसे कि स्पेशल क्लासेस होती हैं या फिर जबकि यूट्यूब क्लासेस होती हैं, उनको आप स्किप करके सिर्फ प्लस क्लासेस को ज्वाइन करें अगर आपके सेमेस्टर एग्जाम्स हैं. और पर प्लस क्लासेस को बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि आपका मेन जो है फोकस वो आपका ITJM है, जो मेन फोकस है वो आपका गेट है, वो जो मेन फोकस है वो आपका CSIR नेट है, और जो सेमेस्टर के एग्जाम्स हैं, है ना, उनको अगर आप थोड़ा सा भी समय ज़्यादा दे दें, मतलब एक्स्ट्रा, आप सिर्फ आपको सिर्फ लिखने का तरीका ही तो सीखना है, क्योंकि देखो आप हमारे साथ पढ़ रहे हो ऑलरेडी, क्योंकि आप पढ़ रहे हो तो आपको ऑलरेडी पता है कि कैसे हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कैसे हमें थ्योरी समझ में आ रखी है. आपको बस एक एक पैटर्न को देखना है कि कैसे मुझे एग्जाम में लिखा जाए, कैसे उसे सजा के लिखा जाए कि आपको BSc में मार्क्स मिल जाए. और इसलिए भी मैं कह रही हूँ आपको कि 80-90% आप अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम पे फोकस करो,
क्योंकि सिर्फ एग्जाम अपनी अपने जो कॉलेज का एग्जाम है उस पर बस इतना फोकस करो कि आप एलिजिबल हो जाओ आईआईटी जैम या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की एंट्री में जाने के लिए। जैसे कि 60% चाहिए तो इतनी मेहनत करो कॉलेज की पढ़ाई के साथ और कॉलेज की क्लासेस के साथ में, कॉलेज में रेगुलर जाना है या नहीं जाना है वो सब आपको देखना है विद रिस्पेक्ट टू योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम। अगर आपने किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ग्रिट ली हुई है कि आई हैव टू क्रैक इट, देन यू नो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको ज्यादा एनर्जी टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, ज्यादा समय लगाना पड़ता है, ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो वो आप कॉलेज के सेमेस्टर को थोड़ा सा क्या कर सकते हो, जिस वक्त सेमेस्टर आते हैं उस वक्त आप पूरा फोकस सेमेस्टर्स पे डाल दो, पर क्लासेस के लिए, ऑनलाइन क्लासेस के लिए थोड़ा सा समय, जो उनकी प्लस क्लासेस हैं, जो मतलब आपकी रेगुलर क्लासेस हैं, उनको आप जरूर ज्वाइन करो, और उसके अलावा बाकी जो समय आपका बचता है उसमें आप अपने सेमेस्टर के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लो। बिल्कुल स्किप करना और फिर वापस रिकॉर्डेड देखना बिकम्स अ वेरी बिग बर्डन। ओके, सो अभी के लिए मैं आपको यही चीज सजेस्ट कर रही हूँ, बाकी टाइम टेबल मैं आपको लाइव आके बताती हूँ। आई विल कम लाइव सो दैट मैं आपकी क्वेरीज भी ले सकूँ। दिस इज अ रिकॉर्डेड वीडियो। ओके, सो आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा कि यू हैव टू फोकस मोर ऑन द कॉम्पिटेटिव एग्जाम एंड अपने कॉलेज को सिर्फ उतनी ही तवज्जो दो जितना हमको आईडी जैम को क्रैक करने के लिए, मतलब उसके बाद में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 60% 70% व्हाट एवर इट इज, उतना बस आप फोकस करो। डोंट गो फॉर कि हाँ मुझे तो बहुत अच्छे से करना है, कॉलेज में अपने आप हो जाता है, बहुत अच्छे से हो जाता है अपने आप ही, पर हमको ज्यादा फोकस जैम पे करना है। कॉलेज की चीजों की वजह से अपने जैम की प्रिपरेशन में बाधा नहीं आनी चाहिए, और कॉलेज में भी ऐसा नहीं है कि जैम में बहुत अच्छा कर रहे हो कॉलेज में पास भी नहीं हो पा रहे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो दोनों को बैलेंस करके रखना। बैलेंस में क्या है, थोड़ा सा पलड़ा आपका जैम का भारी रहेगा या कॉम्पिटेटिव एग्जाम का आपको ज्यादा समय देना है कंपेयर टू द कॉलेज। कॉलेज को थोड़ा सा डिसरिगार्ड कभी कभी, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना हम को फोकस करना चाहिए, कितना हमें देखना चाहिए। क्योंकि अगर आप कॉलेज के एग्जाम्स की बात करेंगे तो कुछ ऐसे सैम्पल पेपर्स और कुछ ऐसे प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चंस होते हैं जो काफी बार रिपीटिव आते हैं, काफी बार कुछ पेपर्स या कुछ क्वेश्चंस करके ही आपका 70% 80% आ जाता है ना, एंड दैट इज इनफ फॉर द कॉलेज एट प्रेजेंट इफ यू आर एस्पिरेंट ऑफ, इफ यू आर डेडिकेटेड एस्पिरेंट ऑफ आईडी जैम। ओके, सी या, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। फर्स्ट टाइम आई यू चैनल पे तो जरूर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। बाय, टेक केयर।